जायका रेसिपीज किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे कुरकुरे आलू की टिक्की। जब हम घर में ही आलू की इतनी मज़ेदार टिक्की बना सकते हैं तो फिर बाजार से लेकर क्यों खाएं? जब घर पर हम साफ हाथों से हेल्दी फूड बना सकते हैं तो फिर अपने बच्चों को बाहर का अनहेल्दी क्यों खिलाएं? दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू की मज़ेदार और कुरकुरी टिक्की। आलू की क्रिस्पी और कुरकुरी टिक्की बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, चलिए आपको दिखाते हैं। आलू 6 मीडियम साइज़ के उबले हुए, इन्हें मैं ग्रेट कर लूँगी। हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून। ये पोहे को पीस कर मैंने पाउडर बना लिया है 4 टेबल स्पून। अमचूर पाउडर आधा टी स्पून। हरी मिर्च एक बारीक कटी हुई। नमक आधा टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर आधा टी स्पून। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, हरा धनिया और अब बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पोहा पाउडर। डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो पोहे पाउडर की जगह अरारोट, कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, बहुत ही कम मसाले डालकर मैं टिक्की बना रही हूँ। मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगे कि आपकी टिक्की अच्छे से बाइंड नहीं होगी तो आप इसमें थोड़ा सा और पोहा पाउडर डाल दें। हाथों को तेल लगाकर चिकना कर लें और अब आलू के मिश्रण से थोड़ा सा मिश्रण लेकर टिक्की बना लें। हमें इसी तरह की सभी आलूओं की टिक्की बनाकर तैयार करनी है। टिक्की हम ज़्यादा ना मोटी बनाएंगे और ना ज़्यादा बारीक। ये देखिए हमारी आलू की दूसरी टिक्की भी बनकर तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के सारे आलू की टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। इतने आलू से मेरी 11 टिक्की बनकर तैयार हुई है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में पहले ही तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम इसमें टिक्की डाल देंगे। टिक्कियों को हमें तेज़ आँच पर फ्राई नहीं करना है, मीडियम से हल्की आँच पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। जब ये नीचे से सुनहरी हो जाए तो पलट दें। ये देखिए हमारी टिक्की का कितना अच्छा कलर आया है। हमारी टिक्की का एकदम बाजार जैसा कलर आया है। अगर आप भी इसी तरह से टिक्की बनाएंगे तो आपकी टिक्की भी बहुत ही कुरकुरी व स्वादिष्ट बनेगी। ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमारी टिक्की का कितना बेहतरीन कलर आया है। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की दूसरी टिक्कियाँ भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी हमारे आलू की टिक्की बनकर तैयार है। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है, देखने से ही इतनी कुरकुरी और क्रिस्पी लग रही है। अगर आप भी इसी तरह से आलू की टिक्की बनाएंगे तो आपकी टिक्की भी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी।